खबर हल्द्वानी से जहां समस्त सहायक अध्यापक एलटी चयनित अभ्यर्थी 5 सितंबर से नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय देहरादून में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा आंदोलन और भूख हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। मंत्री जनप्रतिनिधियों से कई बार मुलाकात कर ज्ञापन प्रस्तुत कर चुके किंतु अभी तक इस प्रकरण में कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है किंतु अभी तक नियुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। वहीं अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। चयनित एलटी के अभ्यर्थी हैं सब लोग, सब शिक्षक हैं हम लोग जी। 2020 में सर हमारी ये भर्ती निकली थी, विज्ञप्ति निकली थी और उसके बाद सर 8 अगस्त 2021 को इसका रिटर्न एग्जाम हुआ था और 31 दिसंबर 2021 को इसका परिणाम भी आ गया है सर जी। ट्रिपल एससी तो सिर्फ एक बहाना है क्योंकि हमारी जो भर्ती है वो एकदम पाक साफ है क्योंकि 31 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आ गया था, उससे अभी तक हमें 9 महीने बीत चुके हैं और समस्त जांच प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी तक किसी ने भी हमारे मामले को एलटी में कोई समस्या है इस प्रकार का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया। तो चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, 28 जुलाई को सबका कंप्लीट हो चुका है सर। उसके बाद ही हमको पता नहीं किस बेसिस पे हमको टाला जा रहा है सर। कभी छोटे छोटे बहाने बनाए जाते कि ऑपरेटर नहीं है सर। आप खुद बताइए सर, ये कोई बहाना है कि ऑपरेटर नहीं है? आप एक ऑपरेटर की वजह से जिसकी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये थी उसकी वजह से आप 700-800 शिक्षकों की नियुक्ति रोक देंगे आप? तो सर ये बिल्कुल निराधार जो इनके बहाने हैं, सरकार उनको बिल्कुल आश्वासन देने में लगी है।